नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुबह की पहली खबर में सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो निकल कर आ रही है वो है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें, किसान आंदोलन के लिए आज का दिन अहम है। आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों पक्षों के बीच बैठक तय है। तो वहीं 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज कोर्ट इस पर फैसला दे सकता है। किसान आंदोलन के खालिस्तानी कनेक्शन पर भी सेंट्रल एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक इस सिलसिले में 16 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। एनआईए के एक्शन से किसान संगठनों में भारी नाराजगी है और आज इस मुद्दे को किसान संगठन जब सरकार से बातचीत के लिए जाएंगे तो बहुत संभव है इसे भी उठाएंगे। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोच। अपने ही खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के साथ सरकार ने लंगर खा लिया। सिखों के साथ जुड़ाव का खास संदेश दे दिया। किसानों के नाम प्यार भरी पाती जारी कर दी। देश भर में घूम घूम कर किसानों को बताया कि नए कानून उनके भले के लिए हैं। लेकिन बात नहीं बनी तो नहीं। देखते ही देखते किसान आंदोलन आज 56वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आज किसानों के इस महासंग्राम को लेकर दो बड़ी बातें होने वाली हैं। पहली तो ये कि किसान और सरकार एक बार फिर बातचीत के टेबल पर आमने सामने होंगे। दूसरी ये कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के ऐलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। संभावना है कि कोर्ट आज कोई आदेश जारी करेगा। देखो, सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लेंगे और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो ही इसका हल निकलेगा। आज की बैठक दरअसल कल यानी मंगलवार को होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। आज की बातचीत में क्या हो सकता है इसका कुछ अंदाजा लगाने से पहले ये जान लीजिए कि इससे पहले की 9 दौर की बैठकों से क्या हासिल हुआ है। 2 मुद्दों पर किसानों और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। पहला तो पराली जलाने को लेकर और दूसरा बिजली संशोधन बिल में किसानों की आपत्तियों को लेकर। लेकिन पेंच फंस रहा है एमएसपी पर। किसानों की मांग है कि इसकी कानूनी गारंटी दी जाए। सरकार साफ तौर पर पीछे तो नहीं हट रही, लेकिन कमेटी बनाकर चर्चा की बात कह रही है। सबसे बड़ी मुश्किल किसानों की इस मांग पर है कि तीनों कानून ही रद्द किए जाएं। सरकार साफ जता चुकी है कि ऐसा होना नामुमकिन है। देश की कृषि कानून देश के लिए है, किसानों के लिए है। चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत बताओ। सरकार पर दबाव डालने के लिए किसान तरह तरह से कोशिशें कर रहे हैं। इसी में से एक है 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान। ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दिल्ली पुलिस ने किसानों की प्रस्तावित परेड के खिलाफ याचिका दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी परेड पर सुनवाई। 18 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई आदेश। पुलिस को अपने अधिकार इस्तेमाल करने की नसीहत। दिल्ली की आउटर रिंग रोड में परेड निकालने की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के साथ की बैठक। बातचीत में उनको बताया हमने कि हमारा जो प्रोटेस्ट मार्च है, ये प्रोटेस्ट मार्च हमारा होगा रिंग रोड के ऊपर। ये 26 को होगा, पीसफुल होगा। कोई हमारा ऐसा नहीं, कोई भी हम बल्कि शांति भंग करने वाला कोई हमारा एटीट्यूड नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है। वही किसान आंदोलन के खालिस्तान कनेक्शन को लेकर एनआईए के नोटिस और पूछताछ पर किसान नेता भड़के हुए हैं। इसका असर आज होने वाली बातचीत पर भी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भी इन्होंने सरकार ने बीच में लेकर वो भी कर लिया, वो भी गई, और उसके बाद इन्होंने एनआईए एजेंसी को भी बरतने की कोशिश की, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आगे क्या करती है, हम तो रैली जरूर निकलेगी, कहां से कहां तक होगी ये हमने फैसला करा, लेकिन चिट्ठियों से डरने वाले नहीं है। किसानों और सरकार के बीच की रस्साकशी में वैसे तो कांग्रेस शुरू से ही तीसरा पक्ष बनने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन आज होने वाली 10वें दौर की बातचीत से ठीक पहले राहुल गांधी तेजी से हरकत में आए। कल राहुल ने एक बुकलेट जारी की जिसका शीर्षक है खेती का खून। ये तीन कानून
खेती में एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। चार पांच लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आंदोलन में कल से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की एंट्री भी हो रही है। 21 जनवरी को पहली बैठक के लिए कमेटी ने किसान संगठनों को न्योता भेज दिया है, लेकिन किसान कमेटी के पास जाएंगे इसके आसार नहीं के बराबर दिख रहे हैं। दिल्ली से अनिश माथुर, कमलजीत संधु और सोनीपत से पवन राठी के साथ आज तक ब्यूरो। कल राहुल गांधी और बीजेपी के बीच जमकर तनातनी हुई। किसानों के साथ राहुल ने चीन विवाद पर भी केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोले तो बीजेपी भी खामोश नहीं बैठी। उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं, सरकार किसानों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं और राहुल गांधी कौन है क्या करता है हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी, जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे मुझे तो नहीं दिखे। प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं तो वो बहाना बनाते हैं। क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता तो वो बहाने बनाते हैं, ऐसा ही ये बहाना है। और अब बात तांडव वेब सीरीज पर मचे घमासान की। देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शनों के बाद सीरीज के निर्माताओं ने दोबारा माफी मांगी है और भरोसा दिया है कि इसके सभी विवादित दृश्य हटा लिए जाएंगे, लेकिन साधु संत अभी भी भड़के हुए हैं। अखाड़ा परिषद का आरोप है कि बॉलीवुड में सक्रिय एक खास वर्ग जानबूझकर ऐसी फिल्में बना रहा है जिनमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जाफर ने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है। वह तब माफी मांगी है जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त निर्देश दिए कि सनातन परंपरा के देवी देवताओं को फिल्मों के माध्यम से या सीरियल के माध्यम से दिखाए गए आपत्तिजनक चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनके खिलाफ FIR हुआ और जब पुलिस यहाँ के उनको पकड़ने गई तब माफी मांगे। इससे प्रतीत होता है कि उनके मन की अभी भी जो मनोवृत्ति वो साफ नहीं है। वो सोचते हैं कि माफी मांग लेने से हम लोग माफ कर देंगे, तो संत महात्मा इसको कभी माफ नहीं कर सकते। तांडव के निर्माताओं की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि एक के बाद एक FIR हो रही है। अब तक लखनऊ, जबलपुर और ग्रेटर नोएडा में तांडव पर FIR दर्ज हो चुकी है। भोपाल में भी केस दर्ज करने की तैयारी है। मुंबई में शिकायत देकर FIR दर्ज करने की मांग की गई है और दिल्ली में सीरीज के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी गई है। यानी कि तांडव के खिलाफ पूरे देश में इस वक्त तांडव हो रहा है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बाइडेन की शपथ अमेरिका के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं, इसकी वजह है जो बाइडेन पर हमले का डर। FBI और पेंटागन दोनों इस संभावित हमले को रोकने में लगे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस वॉशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड तैनात हो, जहां अफगानिस्तान इराक से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वॉशिंगटन के चप्पे चप्पे पर खड़े हैं, तब क्यों घबराया हुआ है अमेरिका, ये एक बड़ा सवाल। All Americans were horrified by the assault on our capital. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor and forge our common destiny.
और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक चार दिनों में अब तक 6,31,047 लोगों को टीके लगाए चुके हैं। इससे पहले आपको हम एक बड़ी खबर जो जो बाइडेन से जुड़ी हुई है वो ये आपको बता दें कि बाइडेन की शपथ अमेरिका के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसकी वजह है जो बाइडेन पर हमले का डर। FBI और पेंटागन दोनों इस संभावित हमले को रोकने में लगे हैं। 22 नवंबर 1963 अमेरिका के टेक्सास का डला शहर, वो तारीख जब अमेरिका ने अपना राष्ट्रपति खो दिया। खुली कार में बैठे अमेरिकी प्रेसिडेंट को दो गोलियां लगी और खेल खत्म हो गया। ये जॉन एफ कैनेडी थे जिनकी नीतियों को लेकर अमेरिका एक तबका नाराज था जिसने उनकी जान ले ली। 57 साल पहले अमेरिका ने आखिरी बार अपना राष्ट्रपति खोया था। इस हत्याकांड अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सदमे में डाल दिया था। 2020 में अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की जान को खतरा है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की राजधानी है जो एक शहर कम और जंग का मैदान ज्यादा लगती है। जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण से पहले वॉशिंगटन अभूतपूर्व हालात। नए राष्ट्रपति की शपथ के लिए 25,000 सिक्योरिटी गार्ड दिन रात गश्त कर रहे हैं। कैपिटल हिल की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए, जगह जगह सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अमेरिका के 25,000 नेशनल गार्ड अलग अलग राज्यों से वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, जिनकी संख्या इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया, सीरिया और कोरोना से निपटने में लगे सुरक्षा कर्मियों से ज्यादा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो रास्ता है ये सीधे व्हाइट हाउस को जाता है, लेकिन यहीं पर उसके चारों तरफ फेंस लगा दी गई है, बाड़ लगा दी गई है ताकि इससे आगे लोग ना जा पाए। ऐसा पहली बार है कि किसी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इतनी बड़ी संख्या में नेशनल गार्ड को तैनात किया गया है। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप के ये समर्थक है जो खतरनाक हथियार लेकर अमेरिका की सड़कों पर घूम रहे हैं। 6 जनवरी को जिस तरह से ट्रंप समर्थक अमेरिकी संसद भवन में घुसे, उससे इनके इरादों को लेकर किसी को भी शक नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप समर्थकों से जो बाइडेन को सबसे बड़ा खतरा नहीं है। FBI और पेंटागन की चिंता का कारण वो 25,000 नेशनल गार्ड जिन्हें जो बाइडेन की सुरक्षा में तैनात किया गया है। यानी मास्क पहनकर आधुनिक हथियारों से लैस अमेरिका के इन सुरक्षा कर्मियों से दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता को खतरा है। लेकिन सवाल है क्यों? अमेरिकी जांच एजेंसी FBI और अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन वॉशिंगटन में तैनात किए गए 25,000 नेशनल गार्ड की जांच कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि इन 25,000 जवानों में से कुछ लोग उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका के पास डरने की वजह है। खुलासा ये हुआ है कि 6 जनवरी को कैपिटल हिल बिल्डिंग में जो हमला हुआ था उसमें सेना और सुरक्षा एजेंसियों के कुछ पूर्व सैनिक शामिल थे। जिस तरह से वो बॉडी आर्मर पहनकर अंदर पहुंचे थे और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उससे सुरक्षा एजेंसियों का जो शक है वो यकीन में बदल गया है। अमेरिका में राजनीतिक विरोध का टकराव अपने चरम पर। ट्रंप समर्थक हार मानने को राजी नहीं है और अपने नेता के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। We're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down. Anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. ट्रंप की ऐसी ही बातें सुनकर उनके समर्थकों की भीड़ कैपिटल हिल बिल्डिंग में घुस गई थी। अब यही लोग हथियारों के साथ तैयार हैं, जो कब क्या कर देंगे ये भी नहीं जानते। वॉशिंगटन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सुरक्षा का जिम्मा उठा रहे आर्मी सेक्रेटरी रियान मैकार्थी एसोसिएट प्रेस को बताया, हम एक प्रक्रिया के तहत सुरक्षा में तैनात हर गार्ड की अलग अलग तरीकों से जांच कर रहे हैं। FBI की टीम इस मामले की जांच में लगी है, जिसके शपथ ग्रहण से पहले पूरी होने की उम्मीद है। 25,000 जवानों की जांच भले ही अमेरिका कर ले, लेकिन इन जवानों के मन में क्या चल रहा है इसे जान पाना किसी के बस की बात नहीं है। यही वो बात है जिसने अमेरिका के लिए जो बाइडेन के शपथ ग्रहण को एक बहुत बड़ी चुनौती बना दिया है। तो हालात तो उस तरफ है जरूर, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कोई
इस तरीके की बहुत बड़ी षड्यंत्र रचा जा रहा है कि राष्ट्रपति का कत्ल कर दिया जाए। शायद कोई एक दो गुट जरूर ऐसे हो सकते हैं, कोई पागल लोग जरूर ऐसे हो सकते हैं जो शायद ये सोचते हो, और इसीलिए अमेरिका में जो सीक्रेट सर्विस है जो राष्ट्रपति को प्रोटेक्ट करती है वो काफी सक्रिय रहती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस और बाकी सुरक्षा एजेंसियों पे होती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा टेढ़ा है। नेशनल गार्ड जो कि नेताओं और बड़े लीडर्स की सिक्योरिटी की गारंटी होते हैं, इस बार वो ही थोड़ी चुनौती बन गए हैं। वॉशिंगटन डीसी से प्रतीक्षा घिल्डियाल, आज तक। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक आपको बता दें, 4 दिनों में अब तक 6,31,417 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें से सिर्फ 0.18% लोगों को साइड इफेक्ट हुआ है, जबकि गंभीर साइड इफेक्ट यानी कि जिन्हें टीका लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा उनकी तादाद 0.002% है। जाहिर है ये संख्या बहुत कम है और कोरोना का टीका करीब करीब पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं भारत आज से मित्र देशों को कोरोना वैक्सीन का गिफ्ट देगा। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को वैक्सीन की खेप भेजी जाएगी और इसकी शुरुआत होगी भूटान और मालदीव से। भूटान को 1.5 लाख डोज और मालदीव को 1 लाख डोज आज रवाना कर दी जाएगी। इसके अलावा श्रीलंका और अफगानिस्तान में जरूरी मंजूरी मिलने के बाद वहां भी वैक्सीन भेजी जाएगी। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर राजनीति की एंट्री हो गई है। बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों नेताजी के नाम पर अपना अपना वोट बैंक वाला झंडा बुलंद करना चाह रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जय हिंद, 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 जय हिंद। पश्चिम बंगाल के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के रडार से जनता के मुद्दे गायब होते दिख रहे हैं। सभी का जोर इस बात पर ज्यादा है कि कौन बंगाल की अस्मिता का असली झंडाबदार है। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती है, ऐसे में पश्चिम बंगाल की सत्ता के दो सबसे बड़े दावेदारों नए सिरे से खींचतान शुरू हो गई है। इस बात की होड़ मच गई है कि कौन नेताजी की जयंती बेहतर ढंग से मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता लगातार बंगाल की संस्कृति, महापुरुषों और संस्कारों का सम्मान करता दिख रहा है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी बंगाल की भावना को समझती है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से गजट जारी किया गया, जिसके मुताबिक 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। इसके लिए बाकायदा 85 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई, जिसकी अगवानी खुद प्रधानमंत्री करेंगे। बंगाल में बीजेपी की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए 23 जनवरी को प्रधानमंत्री के कोलकाता आने की खबर, जो ऐतिहासिक विक्टोरिया हॉल में एक समारोह में शिरकत करेंगे। हम गरिमा और सम्मान के साथ नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे और प्रधानमंत्री जी उस समय मौजूद है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ममता बनर्जी चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी को बाहरी के रूप में पेश करती है, ऐसे में उन्हें लगता है कि बंगाल के महापुरुषों पर लोकल होने की वजह से उनकी पार्टी का ज्यादा हक है। इसीलिए इस मामले में बढ़त बनाए रखने के लिए पूरे बंगाल में टीएमसी पिछले महीने से ही नेताजी पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है और अब उसकी मांग है कि 23 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया जाए। बंगाल के चुनाव के लिए हो रही इस प्रतीकात्मक लड़ाई में एक मांग नेताजी के परिवार की तरफ से भी आई है, जो 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाए जाने की गुजारिश कर रहा है। बंगाल में 1,411 लोगों पर एक डॉक्टर है। बंगाल में 7500 डॉक्टरों की कमी है। शिशु मृत्यु दर 1,000 पर 22 है। बेरोजगारी भी राज्य का बड़ा मुद्दा है, लेकिन हर चुनाव की तरह बंगाल में भावनाएं असल मुद्दों पर हावी है, जिसके रुकने की फिलहाल दूर दूर तक कोई संभावना दिखाई नहीं देती। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।